नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट जगत में देश विदेश में तेजी से चमकते बिहार के पृथ्वी शॉ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरने वाले पृथ्वी शॉ मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उनका परिवार भी बिहार में ही रहता है। शानदार शतक लगाने वाले पृथ्वी शॉ आज पूरे देश में तारीफें बटोर रहे हैं। पृथ्वी का जन्म मुंबई के विरार इलाके में 9 नवंबर 1999 को हुआ था। पृथ्वी के पिता पंकज शॉ बिहार के गया जिले में मानपुर गांव के रहने वाले हैं। पंकज शॉ पृथ्वी के जन्म से पहले ही मुंबई आ गए थे। ऐसे में भले ही पृथ्वी मुंबई में बड़े हुए हैं, लेकिन बिहार से ही उनके संबंध को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी के दादा अशोक शॉ और दादी राम दुलारी शॉ अब भी बिहार के मानपुर में रहते हैं। 4 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ की मां का निधन हो गया था और मां के निधन के बाद पिता पंकज मुंबई में आकर एक कपड़े की दुकान चलाने लगे थे। कहा जाता है कि उनके पिता ने अपने व्यापार को छोड़कर अपना सारा समय पृथ्वी के क्रिकेट करियर को बनाने में लगा दिया। आज पृथ्वी जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनके पिता पंकज शॉ का है। बस 3 साल की आयु से ही इस महान खिलाड़ी ने क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया था, वहीं इसका फ़ायदा उनको आज मिल रहा है। शॉ ने मुंबई के AVS विद्या मंदिर और रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है, तो वहीं इस वक्त रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस और कॉमर्स में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जब पृथ्वी शॉ ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाया तो उनके पैतृक गांव में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। दादा दादी अपने युवा पोते की शानदार कामयाबी से काफ़ी खुश हुए। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे की कामयाबी से पड़ोसी व गांव के अन्य लोगों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साल 2013 में सचिन तेंदुलकर ने शॉ को एक पुरस्कार देकर सम्मानित किया था और वहीं सचिन तेंदुलकर ने शॉ की तारीफ की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शॉ आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम का नाम और रोशन करेंगे। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में डेब्यू कर शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पृथ्वी शॉ का 6वां स्थान है। शॉ को भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। दिलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले का चमत्कारी रिकॉर्ड शॉ ने अपने क्रिकेट करियर में शामिल किया। दिलीप ट्रॉफी के लिए शॉ ने साल 2017 के एक मैच में इंडिया रेड टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया था और इस मैच में उन्होंने 154 रन बनाए थे। जिस समय उन्होंने यह शतक बनाया था उनकी आयु मात्र 17 साल ही थी और ये उनका डेब्यू मैच था। पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का था। पृथ्वी अपने पदार्पण टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 4थे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर को उनका शॉट सही तकनीक से लगाने का तरीका, गेंद समझने का तरीका इतना पसंद आया कि उन्हें 10 साल पहले ही उस 8 साल के बच्चे के साथ भारत के खेलने की भविष्यवाणी की कर ली थी। पृथ्वी के बेहतरीन खेल का ही चमत्कार है कि वह रिजवी स्प्रिंगफील्ड के लिए खेलते हैं जो मुंबई की सर्वश्रेष्ठ स्कूल टीम है और वह शहर के प्रसिद्ध MIG क्रिकेट क्लब में क्रिकेट की बारीकियां सीखते हैं। इस क्लब का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर का पुत्र अर्जुन को भी इसी क्लब में कोचिंग दी जाती है। शॉ ने SG के साथ 36 लाख रुपए का सौदा अर्जित किया है जो कि सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों ने भी समर्थन किया है। की कप्तानी में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है और साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र के विश्व कप जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी शॉ की जीवनी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।